ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। नमस्कार दोस्तों, मैं शीला, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। आज मैं एक भगवान की गोद में सिर रखने की प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ हमारे कहानी को पूरा सुने, बीच में स्किप ना करें, वरना इसकी कहानी का जो मेन मकसद है वो आप सबको समझ नहीं आएगा। एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर जाऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ था, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे आने की ही उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला संत जी से, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपा करके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू कर दो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसा ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी ने अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिलने गए थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट कर रोने लगे और मालिक से आके फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसे ही कृपा करना। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहां से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। अगर आप सबको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया अपने किसी भी तरह और सुझावों,
अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।